जय स्वामीनारायण। आज हम गुजरात का बहुत ही फेमस फरसान वनीला गाठिया बनाएंगे। ये गाठिया बिल्कुल ही कंदर की चीज़ें बनेंगी, पर आपको कुछ टिप्स का ध्यान रखना पड़ेगा और मेजरमेंट का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलो गाठिया बनाना स्टार्ट करते हैं। गाठिया बनाने के लिए मैंने यहाँ 1 kg बेसन लिया है। आपको घर का बेसन यूज़ नहीं करना है, जो बाहर पैकेट का बेसन मिलता है वही यूज़ करना है। बेसन को पैकेट में से खोल के मैंने एक बाउल में अच्छी तरह से छन्ने से छान लिया है। इस बेसन में आपको टोटल 4 कटोरी ऑयल डालना है। आप ध्यान से कटोरी की साइज़ देख लीजिए, इस हिसाब से आप मेज़रमेंट कीजिएगा। एक कटोरी में 1.5 टीस्पून सोडा एस, जो गाठिया का स्पेशल सोडा आता है, वो आपको निकाल के रख देना है। अभी ये सोडा एस बेसन में नहीं डालना है। अब इसमें 2 टेबलस्पून अजवाइन डाल दीजिए। अब इसमें 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डाल दीजिए। अब इसमें 3 टीस्पून नमक डाल दीजिए। हमने एक कटोरी में जो सोडा आइस रखा था उसमें थोड़ा सा पानी डाल के एक तरफ रख दीजिए। हमने सभी मसाले बेसन के अंदर डाल दिए हैं। अब उसको अच्छी तरह से हाथ से मिला लीजिए। आपका ऑयल का मेज़रमेंट ठीक है कि नहीं, उसको आप जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ उस तरह से चेक कर सकते हो। मैंने सोडा आइस वाला पानी एक तरफ रख दिया था, उसको उंगली की मदद से अच्छी तरह से हिला के बेसन में डाल दीजिए। सोडा आइस को अच्छी तरह से बेसन में मिला लीजिए। आपको मेथी वाले गाठिए पसंद हो तो आप इस स्टेज पे मेथी डाल सकते हो। अब बेसन में थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाइए। आपको आटा तैयार करते समय खास ध्यान रखना है कि थोड़ा थोड़ा ही पानी डालना है और एकदम कड़क आटा रेडी करना है, बिल्कुल ही सॉफ्ट आटा रेडी नहीं करना है। हमारा आटा रेडी हो गया है। मैंने आपको बताया था कि आपको मेथी वाले गाठिए पसंद हो तो मेथी डालिएगा। यहाँ मैंने मेथी वाले और बिना मेथी वाले दोनों आटों को रेडी किया है। हमने जो एकदम सख्त आटा बनाया था उसमें से थोड़ा आटा ले लीजिए, उसमें पानी डाल के इस तरह से मसल के उसको सॉफ्ट बना लीजिए। देखिए दोनों आटों के बीच का डिफरेंस। अब पहले मैं आपको मेथी वाली गाठी कैसे बनाते हैं वो दिखा रही हूँ। देखिए हाथ की मदद से एकदम स्लो मोशन में कैसे गाठी बनाते हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ। अब बिना मेथी वाला जो मैंने आटा रेडी किया था उसमें से गाठी कैसे बनाते हैं वो आप देख लीजिए। अब इस गाठिए को आप तेल में डाल दीजिए, 2-3 बार पलट लीजिए। इसको ज़्यादा कड़क नहीं करना है और उसको एक बाउल में निकाल लीजिए। एक कटोरी में नमक, हींग और काली मिर्च का पाउडर इस तरह से रेडी कर लीजिए। हमारे जो गरम गरम गाठिए है उसके ऊपर ये पाउडर स्प्रिंकल कर दीजिए। गरम गरम गाठी के साथ तली हुई ग्रीन चिली, ग्रीन चटनी और ये गाजर का जो सलाद होता है वो बहुत अच्छा लगता है। गाठी के साथ आप हरी ओनियन भी सर्व कर सकते हैं। आपके घर पे मेहमान आए तो घर पे ही ये गर्मा गर्म गाठी बनाना। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। बाय बाय।